स्वागत है आपका अपने चैनल आरोग्य इंडिया में। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको प्रेस जरूर करें। दोस्तों, कमर दर्द किसी भी उम्र के व्यक्ति को परेशान कर सकता है, फिर वो महिला हो या पुरुष। हम में से लगभग प्रत्येक व्यक्ति एक या अधिक बार कमर दर्द का शिकार हो चुके हैं। चलिए आज के इस पैकेज में जानते हैं कुछ आसान से घरेलू उपाय जिनकी मदद से आप अपने कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। अगर कमर दर्द हो तो मालिश या मसाज एक बहुत अच्छा घरेलू इलाज है। प्रभावित हिस्से में हल्की मसाज लें, किसी हर्बल ऑयल से मसाज लेनी चाहिए, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि मसाज में दबाव नहीं होना चाहिए। कभी भी बहुत भारी सामान ना उठाएं। जरूरत से ज्यादा वजन उठाना कमर दर्द का कारण बन सकता है और ध्यान रखें कि जब भी कुछ भारी चीज उठाएं तो घुटनों को मोड़कर बैठने की मुद्रा बना लें। अपने हाथ और कोहनी तक का सहारा लेते हुए भारी चीज को उठाएं। बिल्कुल सीधा झुककर भारी चीज बिल्कुल ना उठाएं। एक कप गेहूं को रात भर के लिए पानी में भिगोकर रख दें। दूसरे दिन इस भीगे हुए गेहूं को धनिये और खस के साथ मिलाकर पीस लें। एक कप दूध के साथ इस मिश्रण को उबाल लें और कुछ मिनट तक उबलने पर जब ये गाढ़ा हो जाए तो इसे दिन में दो बार सेवन करें। अदरक में दर्द नाशक और जलन रोधी गुण पाए जाते हैं। कमर दर्द में इसके सेवन से बहुत लाभ मिलता है। अदरक के टुकड़े को पीस कर पेस्ट बना लें और प्रभावित हिस्से में इस पेस्ट को लगा कर रखें। इसके अलावा अदरक का प्रयोग खाने के साथ या चाय आदि में भी किया जा सकता है। कमर दर्द में सेक का प्रभाव बहुत आराम प्रदान करता है। कमर दर्द और सूजन को कम करने के लिए बर्फ की सेक ली जा सकती है। इसे घर में तैयार करने के लिए बर्फ के टुकड़ों को एक प्लास्टिक बैग में भर लें और एक तौलिए में लपेट कर इससे सेक लें। ओक ट्री गम या बलूत के पेड़ से निकलने वाले गोंद का प्रयोग कमर दर्द में बेहतरीन होता है। इसके फायदों को देखते हुए आज बाजार में ये पाउडर के रूप में भी पाया जाता है। सुबह खाली पेट एक चम्मच ओक ट्री गम का सेवन करने से दर्द में लाभ होता है। बैठने की गलत मुद्रा भी कमर दर्द का कारण होती है। अगर आप गलत तरीके से बैठते हैं तो इसका असर कमर और स्पाइन पर पड़ता है। लगातार एक ही स्थिति में बैठे रहने से भी कमर की तकलीफ हो सकती है। अगर आपको काम के दौरान अधिक देर तक बैठे रहने की जरूरत पड़ती है तो थोड़े थोड़े अंतराल में उठकर चलना फिरना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान हल्की एक्सरसाइजेस भी जरूर करें। तुलसी में दर्द निवारक गुण पाए जाते हैं जो कमर दर्द में राहत देते हैं। रोजाना 8 से 10 तुलसी के पत्तों को एक कप पानी में उबाल लीजिए। जब पानी आधा रह जाए तो इसे ठंडा कर लें। इसमें एक चुटकी नमक मिलाकर दिन में दो बार पीने से कमर का दर्द कम होता है। दूध कैल्शियम का एक प्रमुख स्रोत है। कैल्शियम की कमी की वजह से कमर दर्द हो तो नियमित रूप से दूध का सेवन जरूरी है। आप दूध में शहद मिलाकर भी पी सकते हैं। शहद दूध को मीठा स्वाद देने के साथ साथ कमर दर्द में भी राहत देता है। कमर दर्द को प्राकृतिक रूप से कम करने के लिए योग बहुत फायदेमंद क्रिया है। योग कमर के साथ पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। इससे शरीर फिट बना रहता है। किसी योग प्रशिक्षित की देखरेख में योग करना ही बेहतर है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी कमर दर्द से परेशान हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमारे बताए हुए इन उपायों को जरूर अपनाएं। हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरोग्य इंडिया, स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को। धन्यवाद।